Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel, Crypto ka Rasta. Winners, complete baat karenge Core DAO se related updates. Coin market cap par presently market data jo hai wo untracked hai. Coin Gecko ke upar aap baat karo to complete market data jo hai wo bhi iske upar same untracked hai. Aur ye sirf Coin Gecko ke upar preview dikhaya ja raha hai. It means abhi na to koi supply ka notification hai. ना ही ओवरऑल मार्केट कैप का नोटिफिकेशन है. 2.1 बिलियन की सप्लाई है, ये आप सब लोग जानते हैं. कॉइन गैको के ऊपर भी सारा का सारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, या आप Core DAO की वेबसाइट की बात करें, व्हाइट पेपर की बात करें, गिटहब की बात करें, या फिर आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी की बात करें, एवरीथिंग इज अवेलेबल. कॉइन मार्केट कैप पर भी सेम ये चीजें जो है वो अवेलेबल है. अब बात करते हैं एग्जैक्टली ट्विटर पर ट्रेंड क्या चल रहा है. ट्विटर पर वन कोर और Core DAO ये दोनों ट्रेंड चल रहे हैं और अननेसेसरी की हाइप बनाई जा रही है. दोस्तों ऐसा अभी कुछ भी नहीं होने वाला है. आज 6 फरवरी का दिन है. अगर आज आप लोग अपनी Core DAO की माइनिंग ऐप को देखेंगे तो वहां पर जहां आप लोगों ने मेटामास्क वॉलेट से एड्रेस को लिंक किया होगा माइनिंग ऐप से, आज जब आप लोग उस लिंक एड्रेस पर क्लिक कर रहे हैं तो नीचे जो है कोर लिंक वॉलेट एड्रेस का जो हाईलाइट लिंक था वो हट चुका है, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 6 फरवरी थी. तो वो सिर्फ हट चुका है, इसके अलावा अभी कोई भी अपडेट नहीं है. यस, ट्विटर पर वन कोर इक्वल टू मोर देन $6,000 की हाइप बनाई जा रही है और कई एक्सचेंजेस कम्युनिटी की तरफ से भी उनकी अलग अलग पिक्स को बनाकर ट्रेडिंग की बातें की जा रही है. वन कोर इक्वल टू $6,000, वन कोर इक्वल टू $6,500, सिर्फ इस टाइप के ट्वीट है. देखिए ये हाइप जरूर बन रही है लेकिन अब इसके अंदर रियलिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक 8 फरवरी को हमारे कोर हमारे वॉलेट के अंदर नहीं आ जाते और जितने भी लोगों ने इसकी माइनिंग की है वो उसको अपने एक्सचेंजेस में डिपॉजिट नहीं करते, तब तक इसकी प्री वैल्यू नहीं डिसाइड की जा सकती. इसीलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोल रहा हूं कि सिर्फ दो ऑफिशियल कोर के प्रोफाइल है, एक ये coredao.org 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, दूसरा Core DAO डेवलपर्स 30,000 से ज्यादा इसके फॉलोअर बन चुके हैं. इन दोनों प्रोफाइल के जो ऑफिशियल लिंक है वो भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सिर्फ इन्हीं ट्विटर प्रोफाइल पर जो अपडेट शेयर किए जा रहे हैं कोर से रिलेटेड, सिर्फ उसी को फॉलो करो, अननेसेसरी हाइप से अभी बचो. रिसेंट भी आप देखें वन कोर का ट्रेंड चल रहा है, 72,000 से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं और लोग अननेसेसरीली इसकी हाइप बना रहे हैं. बात ठीक है कि हाइप बनाना जरूरी है, अगर एक कोर की वैल्यू 6,000 से ऊपर आती है तो डेफिनेटली हम सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी सिर्फ हाइप है और इसी हाइप के कारण बहुत ज्यादा स्कैम होने के भी चांस बन रहे हैं. एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोग अपने मेटामास्क वॉलेट को ओपन कर रहे हैं तो वहां पर एक ऑफिशियल जो लिंक है वहां, जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं अपने मेटामास्क वॉलेट में, तो scan.coredao.org जहां लिखते हैं नीचे आके आप देखेंगे तो वहां पर स्टेक का ऑप्शन है, तो वहां आपको ब्राउजर ऑप्शन में stake.coredao.org वैलिडेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है. तो इफ यू वांट टू बिकम वैलिडेटर तो वैलिडेटर के लिए तो ये है, लेकिन वाई वैलिडेटर, अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कोर सबसे पहले आपके मेटामास्क वॉलेट में ट्रांसफर होकर आए, जिसकी फर्स्ट डेट है 8th of February, सेकेंड डेट है 15 मई. तो 8 फरवरी से पहले कुछ नहीं होने वाला. यस, Core DAO एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना रहा है, वेब 3 में काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, कोर चेन बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाली है. अगर आप कोर की ब्लॉकचेन सपोर्ट किस टाइम बात करो तो कहीं ना कहीं पर एक इनहेरिटेंस ब्लॉकचेन बनने वाली है. इनहेरिटेंस मतलब कहीं ना कहीं पर बिटकॉइन इथेरियम जैसी चेन के कुछ फीचर्स को इनहेरिट किया है कोर चेन में, और मल्टी चेन सपोर्ट जो है वो भी कोर इकोसिस्टम में आ चुकी है. दैट्स व्हाई द एक्सचेंजेस आल्सो एक्साइटिंग, कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी एक्सचेंजेस में Core DAO की ट्रेडिंग करें, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेडिंग का अमाउंट होगा उतना ज्यादा एक्सचेंजेस की कमीशन भी होगी. तो कहीं ना कहीं पर अभी आपको सिर्फ अननेसेसरी इन हाइप से बचना है. अभी कोई ऐसा प्री वैल्यू डिसाइड नहीं है, माइनिंग टोकन है, प्री वैल्यू डिसाइड नहीं है. देखिए जिस हिसाब से आपको यहां दिखाया जा रहा है व्हाट एग्जैक्टली द वर्थ, कोर का मतलब 4 टोकन की वैल्यू, वो भी 4 पूरे नहीं, 23,000, मतलब ये एक अननेसेसरी की हाइप है. यस, इससे प्रोजेक्ट स्ट्रांग जरूर हो रहा है लेकिन आपको कुछ चीजें जो है वो ध्यान में भी रखनी है. आपको भी ये पता है कि 25% टोकन अभी मिल रहे हैं, 75% टोकन एवरी मंथ 2 साल तक के लिए मिले हैं, उसकी भी अभी प्री डेट कोई डिसाइड नहीं है. अभी 2 ही डेट डिसाइड की गई है, 6 फरवरी और 15 मई. अब देखिए इस ट्वीट के अंदर मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, नो मैटर हाउ हंग्री यू आर यू कांट सेल, यू कैन नॉट सेल योर ऑल योर 25% ऑफ कोर. आप कितने मर्जी भूखे हो लेकिन इससे यह मतलब नहीं है कि आप अपने 25% कोर को सेल करोगे. एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोर माइनिंग के 10 टोकन है
या 100 टोकन का एग्जांपल ले लेते हैं, 100 टोकन अगर आपके पास है, 25 आपके इंस्टेंट इस टाइम पर वॉलेट में ट्रांसफर होंगे, तो ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप वो 25 को सेल कर पाओगे, यू हैव टू स्टेक फर्स्ट। तो उसके लिए stake.codeout.org मेटामास्क वॉलेट में जब आप लोग ब्राउजर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आप करेंगे, बट उसके लिए भी यू हैव टू वेट फॉर 8th फेब। इसके अलावा अभी CoDAO का रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, और मैं सिर्फ इन्हीं दो ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहा हूं, इस नेसेसरी हाइप से, अननेसेसरी हाइप से मैं भी बच रहा हूं, और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूं कि आप भी इन अननेसेसरी हाइप से बचें, क्योंकि स्कैम का टाइम है और स्कैम डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो रहा है, और जितने भी कोर से रिलेटेड ये ट्विटर प्रोफाइल बनाए जा रहे हैं, कोर कम्युनिटी अपने हर माइनर को बार बार ये मैसेज कर रही है, चाहे आप डिस्कॉर्ड की बात करो, डिस्कॉर्ड से अननेसेसरी अब बोट सारा हटा दिया गया है, वेरीफाइड पर्सन जो होंगे वो कोर के डिस्कॉर्ड मेंबर में रहने वाले हैं, डिस्कॉर्ड के प्रोफाइल में रहने वाले हैं, कम्युनिटी मेंबर बनने वाले हैं, तो अननेसेसरी जितने भी कोर के प्रोफाइल बने हुए हैं लोग इनसे बच रहे हैं, आपको भी बचना चाहिए। एंड येस, वी हैव टू वेट फॉर 8th ऑफ फेब। जो भी डिटेल होगी, जो भी प्राइजिंग होगा, वो उस टाइम पर आ जाएगा, और आप ही प्री डिसाइड करोगे आप कितने पर्टिकुलर अमाउंट का कोर बेचना चाहते हो। तो जैसे ही ट्रेडिंग की वैल्यू उस लेवल तक जाती है, आप ऑटोमेटिक सेल कर पाओगे, जैसे आप आज तक ट्रेडिंग करते आए हो। सपोज आपने बाइनेंस में ट्रेडिंग की, बाइनेंस में कोर है, या आप लोग MEXC ग्लोबल में आप अपने कोर को डिपॉजिट कर रहे हैं, आपने वहां पर एक ट्रेड सेट कर दिया कि कोर की वैल्यू जब $1,000 तक पहुंचे तो आई हैव टू सेल माई 10 कोर और 20 कोर, तो जब वो 100,000 या $1,000 तक पहुंचेगी तो ऑटोमेटिक आपके सेल हो जाएंगे। इस चीज को लोग अननेसेसरी ट्विटर पर वायरल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 कोर टोकन है, उसने लिख दिया कि मैं अपने $1 कोर टोकन को $6,000 पर बेचना चाहता हूं। अब लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया कि $6,000 का क्वाइन आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये $1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, एंड डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग बेनिफिट, डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग स्टाइल, वो कैसे होगा। अब सभी लोग जब ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग में अपनी मैक्सिमम वैल्यू सेट करते हैं तो अननेसेसरी उसकी नेगेटिव हाइप बन जाती है। एक पर्सन बोला है कि मैं अपने कोर को $6,000 का बेच रहा हूं, दूसरा बोले कि मैं अपने कोर को $5,000 का बेच रहा हूं, तो एक हाइप बन जाती है कि $5,000 की वैल्यू आ रही है, $6,000 की वैल्यू आ रही है। एग्जैक्टली ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। प्लीज स्टे सेफ, अपने कोर जो आप लोगों ने अपनी मेहनत से माइनिंग की है उसको अपने माइनिंग ऐप में अभी संभाल कर रखें। 2 दिन अभी और बचे हैं, 2 दिन बाद मेटामास्क वॉलेट में जब उसका 25% ट्रांसफर होगा, सिंपली आप अपनी एक्सचेंजेस में डिपॉजिट कीजिएगा। अब वहां पर आपको अपनी प्रेजेंट वर्थ भी दिखेगी और आप फ्यूचर में उसको किस वैल्यू पे सेल आउट करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड विद क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल, बिकॉज ऑल द रियल एंड जेन्युइन अपडेट्स ऑन CoDAO हेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट प्लीज कीप इट इन माइंड, यू आर इन द हाईली वॉलाटाइल मार्केट, सो इफ यू वॉन्ट टू बाय, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट, इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, प्लीज डू योर ऑन रिसर्च फर्स्ट। Thank you so much for watching this video, and please do subscribe CryptoMarg YouTube channel for more updates. Thank you so much.